करेंगे सबको और पीछे पीछे दौड़ाएंगे सबको। दाहिना हाथ आगे करें। प्रतिज्ञान प्रतिज्ञा भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर हम उन हमारे शहीदों को श्रद्धापूर्वक बात कर रहे हैं ना। बीजेपी के पेट में दर्द है कि हम लोग में से कोई मंत्री नहीं बना। बड़ा प्रेम है भाई, मतलब दूगो मंत्री बने या मंत्री कैबिनेट में जाए तो बहुत प्रेम हो गया है उनको हमारे विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के पास अल्लड़ बर्रल बयान देने के अलावा और कुछ है नहीं। उनके पास लॉजिकल बात भी कुछ नहीं। हम लोगों ने पार्लियामेंट में डिबेट को उनको देखा है, उनके पास कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को क्यों फरामोश कर जाती है? 9 साल का बदहाल जो है अपने किए गए वादों को, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, स्मृति ईरानी, जितने भी नेता थे बिहार के, बिहार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भारतीय जनता पार्टी में, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ आज आज के दिन कि उन्होंने कभी भी बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री से कभी एक रेजोल्यूशन के साथ मुलाकात की है? ये सीधा सवाल है बिहार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भाजपा के गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं, विनाश के रास्ते पे है और विनाश का रास्ता इस देश के लिए ठीक नहीं। आप लोग आ रहे थे और कल आपकी के एक विधायक हैं, उनके साथ डॉक्टरों ने दुर्व्यवहार किया, तो नहीं लग रहा है कि बिहार में अब तक ताही जो है थोड़ा हावी हो चुका है? असल में क्या है कि इजाज़त की बात है कि इजाज़त ली जाती है, इजाज़त मिली नहीं। तो हम तो कांग्रेस वाले हैं तो हम लोगों ने कहा कि बोला कि आपके इजाज़त नहीं दिया है और आप यहाँ से चंद लोगों मिल के जाए, तो उन्होंने 7-10 लोग लेकर के आए और सब लोग यहाँ आ गए। लेकिन इस बारिश में भी जिस प्रकार से हम लोग आए हैं, ये वही जज्बा है अपने बाप दादाओं ने जो हमको खून हमारे बदन में रगों में दौड़ रहा है, ये वही जज्बा था कि हम चले हैं। इस बात के मामले में ख़ास तौर पे कि बिहार में अफसर लोग, चुने हुए प्रतिनिधि या आम जनता के साथ उनकी व्यवहार कुशलता होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और हमको लगता है कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बने हुए 1 साल हो गए, कैसे लेते हैं? आपने अगर देखा होगा पिछला सत्र, पिछले सत्र में बजट का सत्र अगर आपको याद होगा तो हमारे तमाम मंत्रियों ने इस बात की गुहार लगाई और डेटा के तौर पर पेश किया कि भारत सरकार किस तरह से बिहार सरकार के साथ योजनाओं के मामले में डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, किस तरह से जो जनता के पक्ष की स्कीम्स हैं जिससे कि जनता की भलाई होती है, सेवा होती है, और जिसका कि वादा फेडरल स्ट्रक्चर में किसी भी राज्य को होता है, उसमें किस तरह से फंड रोका गया, उसके बावजूद बिहार सरकार ने, आज 1 साल पूरा हुआ है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और जो गठबंधन के कांग्रेस पार्टी जिसका नेतृत्व हम लोगों को खड़गे जी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का प्राप्त है, हम सब लोगों ने मिलकर के बिहार में जो ये संकट है उससे निकल रहे हैं और आप देखिएगा कई आंकड़ों में हम बेहतर पहुँचे हैं। एजुकेशन के मामले में भी देखिए आप किस तरह का परिवर्तन भी हो रहा है, और सबसे ज़्यादा बजट बिहार का जो बजट है उसमें सबसे ज़्यादा बजट एजुकेशन का है, तो हम अपने सीमित साधन में आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया लक्षण है और इस बात की शुभकामनाएं। बीजेपी बात कर रहे हैं और जा रहे हैं ना, बीजेपी के पेट में दर्द है कि हम लोग में से कोई मंत्री नहीं बना। बड़ा प्रेम है भाई, मतलब दूगो मंत्री बने या मंत्री कैबिनेट में जाए तो बहुत प्रेम हो गया है उनको हमारे विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के पास अल्लड़ बर्रल बयान देने के अलावा और कुछ है नहीं। उनके पास लॉजिकल बात भी कुछ नहीं। हम लोगों ने पार्लियामेंट में डिबेट को उनको देखा है, उनके पास कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को क्यों फरामोश कर जाती है? 9 साल का बदहाल जो है अपने किए गए वादों को, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, स्मृति ईरानी, जितने भी नेता थे बिहार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भारतीय जनता पार्टी में, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ आज आज के दिन कि उन्होंने कभी भी बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री से कभी एक रेजोल्यूशन के साथ मुलाकात की है? ये सीधा सवाल है बिहार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भाजपा के गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं, विनाश के रास्ते पे है और विनाश का रास्ता इस देश के लिए ठीक नहीं। आप लोग आ रहे थे और कल आपकी के एक विधायक हैं, उनके साथ डॉक्टरों ने दुर्व्यवहार किया, तो नहीं लग रहा है कि बिहार में अब तक ताही जो है थोड़ा हावी हो चुका है? असल में क्या है कि इजाज़त की बात है कि इजाज़त ली जाती है, इजाज़त मिली नहीं। तो हम तो कांग्रेस वाले हैं तो हम लोगों ने कहा कि बोला कि आपके इजाज़त नहीं दिया है और आप यहाँ से चंद लोगों मिल के जाए, तो उन्होंने 7-10 लोग लेकर के आए और सब लोग यहाँ आ गए। लेकिन इस बारिश में भी जिस प्रकार से हम लोग आए हैं, ये वही जज्बा है अपने बाप दादाओं ने जो हमको खून हमारे बदन में
रगों में दौड़ रहा है। ये वही जज्बा था कि हम चले हैं इस बात के मामले में, खास तौर पे कि बिहार में अफसर लोग चुने हुए प्रतिनिधि या आम जनता के साथ उनकी व्यवहार कुशलता होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और हमको लगता है कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मूर्ति शहीदों को नमन किया, क्या कुछ कार्य? ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है भारत की स्वतंत्रता आंदोलन और उसके संग्राम में। हमारे पुरखों ने जिस तरह से जान की कुर्बानियाँ दी और जिस तरह से शहीद हुए, अपना जान निछावर कर दिया देश के नाम पे, 1942 8 अगस्त को रेजोल्यूशन बम्बई में पास हुआ, उस वक्त के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मौलाना आज़ाद थे। 8 तारीख को रेजोल्यूशन पास होता है और 8 तारीख की रात यानी 9 तारीख को ही सारे नेताओं की, महात्मा गांधी से लेके और आज़ाद से लेके पंडित नेहरू, सरदार पटेल, जितने भी बड़े बड़े नेता पूरे देश में थे कांग्रेस के, उनको कैद कर लिया जाता है और उनको जेल के सलाखों के पीछे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो रेजोल्यूशन वहाँ पास हुआ और जिस तरह से व्यवहार अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने कांग्रेसियों के प्रति और देश के आम जनता के प्रति किया, उसका रोष हुआ और उसके नतीजे में हज़ारों लोग शहीद हुए मुख्तलिफ जगहों पर, और पटना और बिहार तो क्रांति की जगह है वहाँ तक। तो ये सफ़र जो है आज़ादी का सफ़र कांग्रेस पार्टी के और गांधी जी और तमाम लोगों के नेतृत्व में जो लड़ा गया, जो हमारी लिगेसी है, जो हमारी विरासत है, जो हमारे पुरखों की विरासत है, वो उस विरासत के बाद देश में अंग्रेज़ चले गए, कुछ लोगों को छोड़ गए। हम लोग जब आज़ादी की चुनाव का आज़ादी का संग्राम लड़ रहे थे तो आज़ादी के ज़माने में ये था कि देश की अखंडता, अक्षुण्णता, आपसी भाईचारा सब हम बचा के रखेंगे। संविधान जो बना उसके बचाने की कस्में खाईं। आज दिक्कत ये हो गई है कि उस आज़ादी के ऊपर, उस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर और वो तमाम आत्माएं, वो तमाम हमारे बुज़ुर्ग, तमाम हमारे बाप दादा जिन्होंने जान पे हथेली पे रख करके जेल के सलाखों के पीछे तड़प तड़प के जान देने के बाद जो संविधान दिया, जिस तरह का रास्ता बताया, उस रास्ते से कुछ लोग भटक गए हैं। अंग्रेज़ लोग भी यही करते थे, फूट डालो और शासन करो, तो फूट डालो और शासन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और देश की आम जनता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आज के दिन को याद करना, अपनी विरासत को याद करना, अपनी इतिहास को याद करना और हमारे लोगों के बलिदान को याद करना आवश्यक है। जीतेगा इंडिया, हारेगा भाजपा। सप्तमूर्ति है यहाँ पर, क्या कुछ है? देखते 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर हम उन तमाम क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को जो जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी, उनको नमन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज तो आप देख रहे हैं सदाकत आश्रम से यहाँ तक 7 किलोमीटर की यात्रा हमारे नौजवान सेवा दल और कांग्रेस नेताओं ने इस पानी बरसात में भींगते सबको देख लिया, भींगते हुए जिस तरह से आ करके आप अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किए हैं, मैं सोचता हूँ यह बहुत ही ऐतिहासिक। आप लोगों ने शपथ भी लिया है? शपथ हम लोग बार बार लेते हैं और हर एक साल लेते हैं, और उनके द्वारा जो किया गया कार्य है देश की आज़ादी में, उनको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए, जिस तरह से आज हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम घूम करके उसको एक रूप दे रहे हैं, हम लोग आज उनको नमन किए हैं। और हम उम्मीद करते हैं और देशवासियों से अपील करते हैं कि इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद जो हमने स्वतंत्रता प्राप्त किया है उसकी रक्षा सब मिल के करें। अच्छा, संसद में आप क्या कई तरह के आरोप लगा रहे हैं? अविश्वास प्रस्ताव आना तो एक आम बात है, ये तो कोई नई परंपरा है नहीं। और बीजेपी वाले को अब 9 साल सत्ता में हो गया केंद्र में, उनको इस सब छोटी छोटी बातों में नहीं पढ़ के ये बताना चाहिए देश की जनता को कि हमने 9 साल में आपके वेलफेयर के लिए क्या किया। वो तो कुछ है नहीं, सुन बटा सन्नाटा है। तो हम समझते हैं जो उल बजूल बात में अपना समय व्यस्त कर रहे हैं। अच्छा, तो जानते हैं जाने वाले हैं सप्तमूर्ति है यहाँ पर, क्या कुछ है? देखते 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर हम उन तमाम क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को जो जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी,
उनको नमन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज तो आप देख रहे हैं सदाकत आश्रम से यहाँ तक 7 किलोमीटर की यात्रा हमारे नौजवान सेवा दल और कांग्रेस नेताओं ने इस पानी बरसात में भींगते सबको देख लिया। भींगते हुए जिस तरह से आ करके आप अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किए हैं, मैं सोचता हूँ यह बहुत ही ऐतिहासिक। आप लोगों ने शपथ भी लिया है? शपथ हम लोग बार बार लेते हैं और हर एक साल लेते हैं, और उनके द्वारा जो किया गया कार्य है देश की आज़ादी में, उनको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए, जिस तरह से आज हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम घूम करके उसको एक रूप दे रहे हैं, हम लोग आज उनको नमन किए हैं। और हम उम्मीद करते हैं और देशवासियों से अपील करते हैं कि इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद जो हमने स्वतंत्रता प्राप्त किया है उसकी रक्षा सब मिल के करें। अच्छा, संसद में क्या कई तरह के आरोप लगा रहे हैं? अविश्वास प्रस्ताव आना तो एक आम बात है, ये तो कोई नई परंपरा है नहीं। और बीजेपी वाले को अब 9 साल सत्ता में हो गया केंद्र में, उनको इस सब छोटी छोटी बातों में नहीं पढ़ के ये बताना चाहिए देश की जनता को कि हमने 9 साल में आपके वेलफेयर के लिए क्या किया। वो तो कुछ है नहीं, सुन बट्टा सन्नाटा है। तो हम समझते हैं जो उल बजूल बात में अपना समय व्यस्त कर रहे हैं। नहीं देखते, 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर हम उन तमाम क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को जो जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी, उनको नमन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज तो आप देख रहे हैं सदाकत आश्रम से यहाँ तक 7 किलोमीटर की यात्रा हमारे नौजवान सेवा दल और कांग्रेस नेताओं ने इस पानी बरसात में भींगते सबको देख लिया। भींगते हुए जिस तरह से आ करके आप अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किए हैं, मैं सोचता हूँ यह बहुत ही ऐतिहासिक। आप लोगों ने शपथ भी लिया है? शपथ हम लोग बार बार लेते हैं और हर एक साल लेते हैं, और उनके द्वारा जो किया गया कार्य है देश की आज़ादी में, उनको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए, जिस तरह से आज हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम घूम करके उसको एक रूप दे रहे हैं, हम लोग आज उनको नमन किए हैं। और हम उम्मीद करते हैं और देशवासियों से अपील करते हैं कि इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद जो हमने स्वतंत्रता प्राप्त किया है उसकी रक्षा सब मिल के करें। अच्छा, संसद में क्या कई तरह के आरोप लगा रहे हैं? अविश्वास प्रस्ताव आना तो एक आम बात है, ये तो कोई नई परंपरा है नहीं। और बीजेपी वाले को अब 9 साल सत्ता में हो गया केंद्र में, उनको इस सब छोटी छोटी बातों में नहीं पढ़ के ये बताना चाहिए देश की जनता को कि हमने 9 साल में आपके वेलफेयर के लिए क्या किया। वो तो कुछ है नहीं, सुन बट्टा सन्नाटा है। तो हम समझते हैं जो उल बजूल बात में अपना समय व्यस्त कर रहे हैं। अच्छा, तो जानते हैं जाने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।